हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गुरुकुल स्टडी चैनल एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 13 ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड इन दिस लेक्चर आल्सो वी गोना वन डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन व्हिच इज यू इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई व्हिच इज ऑन द स्क्रीन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अवर गिवन न्यूमेरिकल इज यू इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सो वी हैव टू प्रूव दैट x into curl u by curl x plus y into curl u by curl y is equal to sine 2u. It's just like a homogeneous function. Okay, it's just like a Euler's theorem. Okay, so you don't have to confuse. Okay, so this is u is equal to 10 inverse x cube plus y cube divided by x plus y. Okay, so from here you can see u is not a homogeneous function. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया इसके साथ में। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता इसके साथ में तो हमारा ये होमोजीनियस होता। ओके, सो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, इस जो मैंने अभी प्रीवियस चैप्टर में बताया लेक्चर नंबर 12 में कि ये जो फंक्शन होता है इसको हमने क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो 10 इनवर्स है तो मैं इसको इस साइड रिप्लेस कर दूंगा। सो मेरा क्या हो जाएगा, ये 10 u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ओके, सो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाल दिया जो मैक्सिमम पावर थी, तो क्या बच गया, 1 प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब। और डिनोमिनेटर में क्या बच, मैंने एक्स कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स। ओके, सो यहाँ पे पावर इसकी 3 है एंड यहाँ पे 1 है तो एक कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक्स रेस टू एन। ओके, जो कि हमारा 2 है। तो इस जो होमोजीनियस फंक्शन की, इस फंक्शन की मेरी क्या मतलब, वो डिग्री कितनी है, 2। ओके, सो n इज इक्वल टू 2, द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन इज 2। ओके, अभी मेरा ये वाला फंक्शन जो है 10u, ये होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे ये डिग्री और इस फॉर्म में आ चुकी है। ओके, सो दिस इज़ अवर होमोजीनियस फंक्शन। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे होमोजीनियस फंक्शन फाइंड करते हैं, ओके, जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, तो इसका लेक्चर आप देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में होमोजीनियस फंक्शन के सब कुछ बताया उसकी डिटेल्स के बारे में। ओके, सो अभी हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम होमोजीनियस यूलर्स थ्योरम में पुट करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगी मेरी, x इंटू कर्ल बाई कर्ल एक्स। यू जो है हमारा, यू मेरा फंक्शन अभी ये हो गया है, यू फंक्शन मेरा अभी ये हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे यू पुट कर दिया प्लस वाई इंटू कर्ल बाई कर्ल वाई, और फिर से मेरा यू मेरा 10u हो गया इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे 2 क्यों आ गया, एन यू हम जो लिखते हैं ना यूलर्स थ्योरम में, एन यहाँ पे क्या निकला है मेरा, 2 निकला है, तो इसलिए 2 एंड u, u क्या है 10u, सो इसलिए 2 10u हो गया। ओके, सो अब इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है। इसे हम देख सकते हो x इंटू 10u, 10u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर u। ओके, कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y इंटू, अब फिर से 10u का sec स्क्वायर u, कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू 2, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमारे पास 10x हो कुछ भी, ओके, सो उसको sin x डिवाइड बाई cos x लिख सकते हैं, तो वैसे ही मैंने इसको जस्ट कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो ये हो गया। अगर ये नहीं पता आपको कि कैसे इसको डिफरेंशिएट और वो सब करना है, ओके, सो मेरे डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, उसमें सारे फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस किए हैं किसका क्या फॉर्मूला होता है, सो वहाँ पे भी आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे sec स्क्वायर u, ओके, कॉमन है, सो कॉमन निकाल दिया मैंने, कॉमन निकाल के इधर इसको इंटू कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया नीचे। ओके, सो मेरा हो गया x इंटू कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू 2 sin u डिवाइड बाई cos u इंटू 1 बाई sec स्क्वायर u। ये हो गया। अभी देखो 1 बाई sec क्या होता है, cos होता है। ओके, cos होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर u हो जाएगा, तो ये मैंने इस पर लिख दिया cos स्क्वायर u। ओके, एंड उसके बाद में देख सकते हो ये cos है एंड ये एक कैस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 2 sin u cos u। ओके, अभी ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin u into cos u इज इक्वल टू sin 2u, u इज़ एनी फंक्शन, थीटा भी लिख सकते हो आप, ओके, थीटा भी हो सकता है यहाँ पे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, ये भी आपका हो सकता है। ओके, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा,
x into curl u by curl x plus y into curl u by curl y is equal to sin 2u, जो कि हमने प्रूफ करना था। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, यही प्रूफ करना था। x into curl u by curl y curl x plus y into curl u by curl y is equal to sin 2u, ओके जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो यू कैन आस्क मी। एंड फार्मूलाज की जहाँ तक बात है कि फार्मूलाज कैसे आप रिमाइंड कर सकते हो, तो आप जो भी फार्मूला अगर डिफ़िकल्टी आ रही है कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। एंड मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के और डेरिवेटिव के सारे फार्मूलेज अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कमेंट, ओके यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।